गुड मॉर्निंग एवरीवन, बीएड फर्स्ट ईयर। आज अपना टॉपिक है मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों के प्रकार मैंने आपको पहले भी रिवाइज करवाया था, एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं कि मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों के प्रकार अगर हम देखें तो मानचित्रों के प्रकार ऐसे तो कितने सारे होते हैं, चार पाँच प्रकार होते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको दो प्रकार को ही समझाऊंगी। सबसे पहले हम मानचित्र का अर्थ ले लेते हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं। प्रकार समझाने से पहले एक बार वापस मानचित्र का अर्थ पकड़ लेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र पृथ्वी के किसी एक भाग या पूरी पृथ्वी का अध्ययन वैज्ञानिक व कलात्मक ढंग से करना मानचित्र कहलाता है। किसे कहते हैं मानचित्र? पृथ्वी के किसी एक भाग का। मतलब जब हम मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र किसी एक जिले, कस्बे या राज्य या हम कह सकते हैं देश का भी होता है और पूरे विश्व का भी होता है। तो पृथ्वी के किसी एक भाग का या पूरी पृथ्वी का अध्ययन वैज्ञानिक, क्योंकि माप भी लेते हैं हम, आरेख लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई मानचित्र निर्धारण कर सकते हैं। बिना आरेख के मानचित्र का कोई मतलब नहीं होता है। कलात्मकता, हम उसमें रंग भरते हैं, कई सारे हम पिक्चर छोटे छोटे सिंबल्स बनाते हैं, तो हम डायग्राम भी बना रहे हैं, इसलिए कलात्मक हम उससे करना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र
जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मानचित्र पर होता है या मापनी जो होती है वो होती है एक अनुपात एक लाख। तो इसलिए प्रत्येक मानचित्र को भारत में ही मानचित्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसकी एक और मापनी होती है एक अनुपात 25,000। तो इस तरीके से जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? बड़े मापनी आधारित मानचित्र, भूसंपत्ति और स्थलाकृति। फिर दूसरे होते हैं छोटी मापनी आधारित। कौन से होते हैं? छोटी मापनी आधारित। छोटी मापनी आधारित मानचित्र में हम सबसे पहले कहेंगे दीवारी मानचित्र। अब दीवारी जाते हैं आदि के बनाए जाते हैं। इनका मापक मापक एक अनुपात 5,00,000 से लगाकर एक अनुपात 4,00,000 होता है। मतलब कितना होता है दीवारी मानचित्र का मापक? 1,05,000। एक अनुपात 5,00,000 से लगातार एक अनुपात 4,00,000 तक। ये मानचित्र बहुत बड़े क्षेत्र के भी हो सकते हैं। मतलब इस दीवारी मानचित्र में बहुत बड़ा क्षेत्र, जब हम विश्व को इस मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं तो इसमें छोटे से छोटे क्षेत्र का भी बन सकता है, बड़े से बड़े क्षेत्र का भी बनता है। लास्ट आता है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र ये भी छोटी मापनी आधारित मानचित्र होता है। ये भी क्या है? छोटी मापनी आधारित मानचित्र है। एटलस मानचित्र इतना छोटा होता है कि इनका प्रयोग आकार या मानचित्र छोटे प्रकार के होते हैं। जो किताबें जो बच्चे बालक पढ़ते हैं, जो बालक किताबें पढ़ते हैं उनमें मानचित्र छपे हुए आते हैं किताबों में। तो उन मानचित्रों का प्रयोग हम ये कह सकते हैं जो किताबों में मानचित्र प्रयोग होते हैं उन मानचित्रों का प्रयोग एटलस मानचित्र में किया जाता है। एटलस मानचित्र जो बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? हम ये कह सकते हैं राजस्थान का अध्ययन कराने के लिए, विश्व का अध्ययन कराने के लिए, किसी एक क्षेत्र का अध्ययन कराने के लिए या वहाँ की स्थलाकृतियों का अध्ययन कराने के लिए एटलस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है स्थलाकृतिक मानचित्र। दूसरा प्रकार क्या है आपका? स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र की ज्यादा डेफिनेशन ये छोटे से स्थलाकृतिक मानचित्र जो होते हैं स्थलाकृतियों के लक्षण के आधार पर मानचित्र। स्थलाकृतियों के लक्षणों के आधार पर जो मानचित्र होते हैं वो किसके है? पहला होता है मिलीमीटर मानचित्र। लेनी मीटरी मानचित्र और दूसरा होता है ऊंचा दृष्टि मानचित्र। ये जो मानचित्र होते हैं समय समय पर अपनी स्थिति अपनी आकृति को चेंज करते जाते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि जब लक्षण चेंज होता है किसी भी स्थलाकृति का तो जब लक्षण चेंज होगा तो इन मानचित्रों की स्थिति भी या इन मानचित्रों का आकार स्थिति भी चेंज होती जाती है। सपोज मान लो हिमोड है, हिमोड जल से के द्वारा हिमोड की प्रक्रिया होती है, जल और बर्फ के द्वारा
मानचित्र